नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट का आरआरआर। आपके साथ मैं हूं प्रीति दहिया। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है आईपीएल से जुड़ी हुई, पंजाब किंग्स ने आज एक बार फिर हार का मुंह देखा है। गुजरात टाइटंस ने एक कड़े मुकाबले में आखिरी ओवर में आकर पंजाब किंग्स को यानी कि होम टीम को 6 विकेट से हरा दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर यही आ रही है मोहाली से, जहां पर आज पंजाब किंग्स का मुकाबला था गुजरात टाइटंस से और गुजरात टाइटंस ने ये मुकाबला आखिरी ओवर में 6 विकेट से जीत लिया। गुजरात टाइटंस को आखिरी की 2 गेंदों पर 4 रन बनाने थे और तभी राहुल तेवतिया ने एक चौका लगाकर इस मैच को रफा दफा कर दिया। इससे पहले जो लक्ष्य खड़ा किया था पंजाब किंग्स ने वो था 154 रन का। आज टॉस जीतकर हार्दिक पांड्या ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और इसी के चलते शिखर धवन की पंजाब किंग्स ने कुल 153 रन बनाए अपने 20 ओवर में, यानी कि लक्ष्य जो था गुजरात टाइटंस के सामने वो था 154 रन का, जिसका पीछा करते हुए शुभमन गिल ने आज गुजरात टाइटंस की तरफ से अर्धशतक जड़ा। और इनके अलावा कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं आया गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों की तरफ से, लेकिन जीत की राह पर लगातार गुजरात टाइटंस की टीम चल रही थी और लक्ष्य भी बहुत बड़ा नहीं था उनके सामने, जिसके चलते आखिरी ओवर में इस चौके के साथ राहुल तेवतिया ने अपनी टीम को ये मैच जिता दिया। और कहीं ना कहीं इस जीत के साथ पिछली बार कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों मिली उस हार का भी सदमा पूरा कर पाएगी गुजरात टाइटंस की टीम, जिसमें रिंकू सिंह ने आखिरी की 5 गेंदों पर 5 छक्के लगाकर गुजरात टाइटंस को उन्हीं के घर में हरा दिया था। लेकिन आज पंजाब किंग्स के घर में यानी कि मोहाली में गुजरात टाइटंस ने उन्हें 6 विकेट से हराया है। इसमें जो बड़ा योगदान रहा वो रहा शुभमन गिल की बल्लेबाजी का, जिन्होंने 67 रन बनाए और आखिरी के 2 ओवर में आकर उनका विकेट जब गिर गया उसके बाद थोड़ी सी राह मुश्किल नजर आ रही थी गुजरात टाइटंस के लिए। सैम करन ने बेहतरीन गेंदबाजी की पंजाब किंग्स की तरफ से आखिरी ओवर में, लेकिन वो भी इस हार से अपनी टीम को बचा नहीं पाए। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि पंजाब किंग्स ने किस तरह से अपने ये 153 रन बटोरे, यानी कि ये है पंजाब किंग्स का बैटिंग कार्ड। पंजाब किंग्स की तरफ से आज कोई भी बल्लेबाज बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब नहीं रहा। दोनों ही ओपनर सिमरन सिंह और शिखर धवन सस्ते में आउट हो गए और उनके अलावा मैथ्यू शॉट ने 36 रन बनाए 24 गेंदों में, भानुका राजपक्षे ने 26 गेंदों में 20 रन बनाए, जितेश शर्मा ने 23 गेंदों में 25 रन बनाए, सैम करन ने ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया 22 गेंदों में 22 रन बनाए, शाहरुख खान ने बेहतरीन बल्लेबाजी दिखाई, उन्होंने सिर्फ 9 गेंदों में 22 रन बनाए जिसमें 2 छक्के और 1 चौका शामिल था। लेकिन कुल मिलाकर 20 ओवर में पंजाब किंग्स ने सिर्फ 153 रन ही बटोरे, जो कि इस विकेट पर काफी छोटा स्कोर माना जा रहा था। ये उम्मीद की जा रही थी कि गुजरात के बल्लेबाज इसे आसानी से हासिल कर लेंगे, लेकिन इतना आसान भी नहीं रहा गुजरात के बल्लेबाजों के लिए ये 154 रन बटोरना। आइए आपको दिखाते हैं गुजरात की बल्लेबाजी कैसी रही। ये है गुजरात टाइटंस का पहले, देखिए उनका जो बैटिंग कार्ड है उसमें रिद्धिमान साहा ने 19 गेंदों में 30 रन बनाए, शुभमन गिल ने शानदार पारी खेली 49 गेंदों में 67 रन बनाए जिसमें 1 छक्का और 7 चौके शामिल हैं। उनके अलावा साई सुदर्शन ने 20 गेंदों में 19 रन बनाए और हार्दिक पांड्या आज 8 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो गुजरात टाइटन्स की तरफ से सबसे बड़ा योगदान ओपनर शुभमन गिल का ही रहा, जिन्होंने 67 रन बनाए। और पंजाब की तरफ से गेंदबाजों के प्रदर्शन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। हालांकि आखिर में आकर पंजाब के गेंदबाजों ने इस मैच में वापसी की कोशिश ज़रूर की, खासतौर पर सैम करन की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने जो आखिरी ओवर डाला वो बेहतरीन रहा, उसमें उन्होंने शुभमन गिल का विकेट भी लिया, लेकिन फिर भी ये ना काफ़ी गुजरा। कुछ प्लेयर्स की जो प्रोफाइल है, जो परफॉर्मेंस है, जिन्होंने आज के गेम में जान फूंकी, उन पर नज़र डालते हैं। सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन अगर आज किसी बैट्समैन का रहा है इस मैच में तो वो है गुजरात टाइटंस के ओपनर शुभमन गिल, जिन्होंने 49 गेंदों में 67 रन बनाए। मेरे ख्याल से वो करेक्शन हमें करना होगा यहाँ पर, स्ट्राइक रेट बहुत बेहतरीन रहा शुभमन गिल का आज के मैच में। और उनके अलावा शाहरुख जो कि पंजाब किंग्स के बैट्समैन है, उन्होंने 9 गेंदों में 22 रन बटोरे थे और उनका स्ट्राइक रेट बेहद शानदार 244 के पार रहा था। शाहरुख खान जो कि बैटिंग ऑर्डर में काफ़ी नीचे आते हैं पंजाब किंग्स के लिए, उन्होंने ये बेहतरीन 22 रन अपनी टीम के लिए जोड़े थे। इसके अलावा अगर हम बात करें मैथ्यू शॉट की,
पारी की तो उन्होंने भी एक संभली हुई पारी खेली आज अपनी टीम के लिए। 24 गेंदों में 36 रन बनाए, एक 6 चौके और एक छक्का उन्होंने जड़ा। कुछ और जो खिलाड़ी जिन्होंने आज के गेम में जान फूकी वो है मोहित शर्मा। मोहित शर्मा को गुजरात टाइटंस ने आज पहला मैच दिया था आईपीएल 2023 के संस्करण में। उन्होंने 4 ओवर फेंके और उसमें 18 रन ही दिए और 2 विकेट भी हासिल किए। इकोनॉमी रेट 4.5 का बेहतरीन परफॉर्मेंस गेंद के साथ मोहित शर्मा का गुजरात टाइटंस की तरफ से। तो आइए अब दोनों ही टीम्स के जो स्टार परफॉर्मर रहे उन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले पंजाब की बात करते हैं क्योंकि आज उन्होंने पहले बल्लेबाजी की। तो किस तरह से पंजाब के टॉप परफॉर्मर्स रहे, टॉप परफॉर्मर्स में नाम आता है मैथ्यू शॉर्ट का जिन्होंने बहुत ही बेशकीमती 34 रन जोड़े अपनी टीम के स्कोर के लिए। उनके अलावा जितेश शर्मा ने 25 रन बनाए और शाहरुख खान ने जो 9 गेंदों में 22 रन बनाए वो बेहद महत्वपूर्ण साबित हुए कि एक रीजनेबल टोटल खड़ा कर पाई पंजाब किंग्स की टीम। हालांकि 153 रन बहुत बड़ा इस मैदान में स्कोर नहीं था। और वहीं गुजरात टाइटंस की तरफ से टॉप बॉलर्स जो रहे वो थे मोहित शर्मा जिन्होंने 2 विकेट लिए, राशिद खान ने 1 विकेट आज इस मैच में हासिल किया। गुजरात के टॉप परफॉर्मर्स में आप देख लीजिए शुभमन गिल 67 रन उन्होंने बनाए, रिद्धिमान साहा दूसरे ओपनर भी जमकर खेले उन्होंने 30 रन बनाए, साई सुदर्शन ने इन दोनों के अलावा 19 रन अपनी टीम के स्कोर में कॉन्ट्रीब्यूट किए। तो ये है गुजरात टाइटंस के टॉप परफॉर्मर्स जिन्होंने आज अपनी टीम को ये मैच जिताया और इस जीत के साथ एक तरह से वापसी करी है पिछली बार की विजेता टीम गुजरात टाइटंस ने, क्योंकि इससे पहले का जो मुकाबला था वो काफी बड़ा झटका था गुजरात टाइटंस के लिए। तो आज के मुकाबले में अगर तमाम खिलाड़ियों की बात की जाए तो कौन पास हुआ कौन फेल हुआ आइए ये भी आपको दिखा देते हैं। आज सबसे बड़ा थम्स अप तो मिलता है शुभमन गिल को जिन्होंने अर्धशतक जड़ा, 67 रन बनाए और बेहद कीमती थे वो रन इनकी टीम के लिए। इनके अलावा जो परफॉर्मर रहे जिन्हें फेल कहा जाएगा, दरअसल शिखर धवन आज नहीं टिककर खेल पाए अपनी टीम के लिए और पंजाब किंग्स के लिए शिखर धवन कितने इंपॉर्टेंट है ये इसी बात से साबित हो जाता है कि अगर इन्होंने अच्छा स्कोर नहीं किया तो कोई और भी नहीं चल पाया। फेल हुए हैं आज पंजाब किंग्स के शिखर धवन भी और ये तस्वीर मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या की होनी चाहिए। हार्दिक पांड्या भी आज सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हो गए। तो दोनों ही जो कप्तान थे वो आज के मैच में फेल साबित हुए हैं। और अब एक नजर डालते हैं कि इस लीग में इस स्टेज पर पर्पल कैप किस खिलाड़ी के पास है और ऑरेंज कैप किसके पास गई है। शिखर धवन के पास अभी भी ऑरेंज कैप है यानी कि लीग में अभी भी वो लीडिंग रन स्कोरर है, उन्होंने 233 रन बनाए हैं। आज भले ही फेल हुए हों शिखर धवन लेकिन ओवरऑल लीडिंग रन स्कोरर है पंजाब किंग्स के कैप्टन। और पर्पल कैप में अब सबसे आगे चल रहे हैं युजवेंद्र चहल। राजस्थान रॉयल्स के इस स्पिनर ने इस वक्त 10 विकेट अपने खाते में कर लिए हैं और लीडिंग विकेट टेकर है युजवेंद्र चहल यानी कि पर्पल कैप है युजवेंद्र चहल के पास। तो ये तो है आज के मैच का लेखा जोखा, लेकिन अब आपको बताते हैं कि कल आईपीएल में कौन सा मुकाबला होने वाला है। कल जो मैच होगा वो होगा कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। ये दोनों टीमें कल आमने सामने होंगी। ये मुकाबला केकेआर के होम ग्राउंड यानी कि ईडन गार्डन्स में कोलकाता में खेला जाएगा कल शाम 7:30 बजे। और कोलकाता ने अभी तक अपने 3 मैचों में से 2 में जीत हासिल की है। वहीं अगर बात की जाए सनराइजर्स हैदराबाद की तो उन्होंने इस टूर्नामेंट में अभी तक कुछ खास परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाया है। सनराइजर्स की टीम ने अपने 3 मैचों में सिर्फ 1 में ही जीत हासिल की है। तो कल का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बेहद बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि लीग में अभी वो काफी नीचे चल रहे हैं। वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए ये होम मैच है, ईडन गार्डन्स में खासा सपोर्ट होता है कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए और कोलकाता नाइट राइडर्स ने पिछले मुकाबले में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस को हराया था। तो कॉन्फिडेंस में बहुत हाई है इस वक्त केकेआर की टीम। तो कुल मिलाकर आज मैच में गुजरात टाइटंस ने जीत हासिल की और कल एक और इंटरेस्टिंग मुकाबला आने वाला है। उसमें क्या कुछ होगा, किस तरह से टीम कॉम्बिनेशंस होंगे, कौन आगे बढ़ रहा है लीग में, कौन पीछे पिछड़ रहा है, पूरी जानकारी आपको यही मिलेगी जी न्यूज के इस आईपीएल स्पेशल शो में जिसका नाम है क्रिकेट का RRR। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए जी न्यूज।